फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएस सोडा और मैं हूं महेंद्र सिंह सोडा। तो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर ये चीज़ होती है कि सर हमें अगर जिम ज्वाइन करनी है, जो देसी गुरुजी होते हैं जिसे आप कह सकते हो उस्ताद कोच, उनके पास जाए या सर्टिफाइड ट्रेनर होते हैं उनके पास जाए। इस चीज़ को लेकर लोगों के दिमाग के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और एक चीज़ कह सकते हैं ये होनी भी चाहिए, ये चीज़ सोचने की है। और जिस चीज़ ने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जो है कन्फ्यूज़न होता है कि हम किसके पास जाएँ, गुरुजी जो होते हैं कोच होते हैं उनके पास जाए या फिर हम जो सर्टिफाइड ट्रेनर होते हैं उनके पास जाए। इस वीडियो के अंदर आपको मैं पूरा कम्प्लीटली बताने वाला हूं और किस तरीके से आपको क्या क्या इन चीज़ों जो क्या क्या जो चीज़ें हैं उनको ध्यान रखना है इसके अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं कम्प्लीटली आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एमएस सोडा पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसे दबा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। पास में एक बेल का आइकन है, इसे भी दबाइए जिससे आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, महेंद्र सिंह सोडा ऑफिशियल करके मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है जहाँ पर मैं अपनी डेली अपडेट डालता हूँ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो सर्टिफाइड ट्रेनर के बारे में। तो कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। जो सर्टिफाइड ट्रेनर होता है, आप में से भी कोई बन सकता है, और ये बेसिकली अगर बात की जाए तो 12वीं पास करने के बाद में, 12th पास करने के बाद में कोई भी लड़का होता है इस कोर्स को कर सकता है। बेसिक कोर्स जो जिम ट्रेनर का होता है 3 महीने का होता है, उसके बाद में एडवांस लेवल के अलग अलग कोर्स होते हैं। अगर जिम ट्रेनर की सर्टिफाइड ट्रेनर की बात की जाए तो उसके अंदर ये होता है कि कोई भी फ्रेश लड़का, जैसे कि 12th पास करने के बाद में, जिसको इन चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है या फिर वो कभी जिम नहीं गया है और वो जाके सीधा, चलो 3 मंथ का जो बेसिक कोर्स होता है जिम ट्रेनर का वो करता है, उसके बाद में किसी जिम के अंदर आके वो जो है एज ए जिम ट्रेनर काम करता है या जॉब के लिए वो वहाँ पर लगता है, वो आपको ट्रेनिंग देता है। उसमें ये होता है, आपने काफ़ी जिम्स के अंदर ऐसे लड़के देखे होंगे, ऐसे जो जिम ट्रेनर सर्टिफाइड देखे होंगे जिनकी बिल्कुल भी बॉडी नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि बॉडी से ही नॉलेज होती है, मैंने आप लोगों को पहले भी काफ़ी वीडियोस के अंदर बता रखा है नॉलेज यहाँ से नहीं, यहाँ से होती है। तो इस चीज़ को आप भी याद रखें कि ऐसा नहीं है किसी की बहुत ज़्यादा बॉडी है तो इससे ये साबित होता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। किसी के पास बॉडी नहीं है, कम बॉडी है, उसके बाद में भी उसके पास बहुत सारी नॉलेज हो सकती है। इस चीज़ को आप लोगों को खुद को ध्यान रखना होगा जब आप उससे मिलेंगे, जब आप उनकी एक्सरसाइजें करेंगे, जब आप उससे जो है कंसल्ट करेंगे उनसे, तब आपको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा, तब आपको इन चीज़ों का नॉलेज होगा। अब मैं इसलिए आप लोगों को ये चीज़ बताने वाला हूँ, कन्फ्यूज़न इसलिए रहता है कि काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसे कि बेसिक कोर्स करने के बाद में कोई भी आजकल जहाँ तक मैंने देखा है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो चुका है, पैसे देकर कहीं से भी आप सर्टिफिकेट जो है वो ला सकते हैं। 3 मंथ का बेसिक सर्टिफिकेट जो होते हैं, उसके बाद एडवांस लेवल के होते हैं, अलग अलग कहीं से भी आप ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा अपने यहाँ इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी एकेडमीज़ हैं जहाँ पर जिम ट्रेनर के कोर्स कराए जाते हैं। और ऐसे ऐसे लड़के हैं जो, चलो एक मानते हैं, ऑनलाइन कोचिंग होती है, जैसे ऑनलाइन जिसे आप कह सकते हो, आप अगर कोर्स करना चाहते हो तो आप घर बैठे बैठे आपको मटेरियल मिलता है, उसके बाद में आपके एग्ज़ाम होते हैं और आपको जो है वो कंप्लीट आपका कोर्स होता है, उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ये बात भी काफ़ी हद तक सही है। उसके बाद में क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा दे देते हैं। पैसा देने के बाद में क्या होता है कि उनको जो कोर्स जो है उनका कंप्लीट हो जाता है, उनको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो कंप्लीट होने के बाद में बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं, उनके पास ट्रेनिंग लेते हैं और उनके पास कह सकते हैं आप उतनी नॉलेज भी नहीं होती है। सर्टिफिकेट ज़रूर होता है बट उनके पास नॉलेज नहीं होती। मेरा कहने का ये मतलब है हर सर्टिफाइड ट्रेनर के पास नॉलेज नहीं होती। हाँ, मानते हैं, काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा 12th पास कर लेते हैं साइंस के अंदर या आर्ट्स के अंदर, उससे ये साबित नहीं होता कि उसको उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धक्के पास होते हैं, आपको पता हो तो, जो क्या कहते हैं बाय ग्रेस पास होते हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर भी यहाँ अगर बात की जाए तो इसके अंदर भी ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसा दे के सर्टिफिकेट लेके आते हैं। काफ़ी सारे लोगों को जो है जिम ट्रेनर बनने का शौक होता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर कोई करना चाहे तो अच्छे तरीके से उस चीज़ को पढ़े, समझे, उसके बाद में लोगों को उस चीज़ के बारे में बताए। और बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ इसलिए होते हैं कि जहाँ जाते हैं उनको रिज़ल्ट नहीं मिलते। वो ये कहते हैं कि सर हम पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसके बाद सर्टिफाइड ट्रेनर से हम जो एक्सरसाइजें कर रहे हैं और अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो कन्फ्यूज़न इसलिए होता है, उनको अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल पाते हैं। रिज़ल्ट इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता। एक चीज़ आप लोगों को और बता दूँ, मानते हैं सर्टिफाइड ट्रेनर जो होता है उसको और ज़्यादा नॉलेज होती है, जो
गुरुजी होते हैं या फिर कोच होते हैं उनसे ज़्यादा नॉलेज होती है, उस्तादों से ज़्यादा नॉलेज होगी, वो स्टडी करता है उस चीज़ के बारे में, हर एक चीज़ को पढ़ता है। पर इससे ये साबित नहीं होता कि हर ट्रेनर हर एक चीज़ को उतनी डीपली उतनी बारीक तरीके से पढ़ता होगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सपीरियंस करना, जब कोई इंसान एक्सरसाइज करता है काफ़ी सालों से, उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, उसको वो चीज़ें फील होती है कि ये चीज़ इस तरीके से वर्क करती है, ये चीज़ इस तरीके से वर्क करती है, तभी वो अपना एक्सपीरियंस बाकी लोगों के साथ शेयर करता है, जो कि जो नए जो फ्रेशर होते हैं लड़के उनके अंदर नहीं होता है, जो जिम ट्रेनर नए बनते हैं उनके अंदर नहीं होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, किसी भी सैकड़ों जिसे कह सकते हैं नया है जो इस फील्ड के अंदर, उससे आप जो है ट्रेनिंग। अब हम बात करने वाले हैं गुरु जी के बारे में, जिसे आप बहुत सारे लोग इस चीज़ को बदनाम भी करके बैठे हैं, कहते हैं कि भाई देसी उस्ताद है, देसी गुरुजी है, कोच है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टिप्पणियां करते हैं इन चीज़ों के बारे में, जो कि मुझे लगता है बहुत गलत है। अब इनमें और उनमें क्या फ़र्क है, एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, रात और दिन का फ़र्क है इन दोनों में। मानते हैं कि जो सर्टिफाइड ट्रेनर है उन्होंने स्टडी की है, उस चीज़ को पढ़ा है, और अच्छी बात है, जो कि नॉलेज लेना भी बहुत ही अच्छी बात है, स्टडी करना भी बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम बात करें गुरुजी की, उस्ताद की, तो उनके पास भी बहुत ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस जो कि हर एक इंसान को नहीं मिलता, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, समय देना पड़ता है, खुद के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ट्राई करनी पड़ती है। और ऐसे भी आप लोगों ने बहुत सारे गुरुजी देखे होंगे या जिनकी बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने उस्ताद देखे होंगे जिनके जो है, जिन लोगों ने बहुत बड़े बॉडी बिल्डर जो क्या कहते हैं उन्हें, मिस्टर इंडिया लेवल के या बहुत ही बड़े बड़े लेवल के, एशिया लेवल के भी बॉडी बिल्डर उन लोगों ने तैयार किए हैं और कॉम्पिटिटर तैयार किए हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग के अंदर ये चीज़ आई कि सर के अगर वो उस्ताद तैयार करते हैं, वो स्टेरॉइड्स देते हैं, ड्रग्स देते हैं, उसके बावजूद उनकी उसके उन चीज़ों को लेने से उनकी बॉडी बनती है, तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, अगर उस लेवल का कोई कॉम्पिटिटर है उसके सामने, अगर उस लेवल का कोई कॉम्पिटिशन है, तो उसके अंदर ये लेना जैसे कह सकते हैं ज़रूरी कह सकते हैं, क्योंकि आपके साथ में जो स्टेज के ऊपर है जो कॉम्पिटिटर उसने ले रखा है, अगर आप भी चाहते हैं उस स्टेज पर चढ़ना तो आपको भी ये चीज़ें लेनी पड़ सकती है, अगर उस लेवल की बात की जाए। उसके बाद में नेचुरल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप खा के भी अपनी बॉडी एक अच्छे लेवल तक मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपका भी एक ख्याल है कि आप भी बड़े स्तर पर बड़े बॉडी बिल्डर बने या इस तरीके का ख्याल है, तो आपको जहाँ तक मुझे लगता है बॉडी बिल्डिंग के अंदर आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, अगर उस स्तर तक पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचना है, तो आपको हो सकता है ये चीज़ें लेनी भी पड़े, ड्रग्स वगैरह। और जहाँ तक मुझे लगता है आप ना लें, अपनी बॉडी के साथ में ऐसा खिलवाड़ ना करें। अब बात करते हैं हम वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, उस्तादों की। उस्ताद जो होते हैं वो काफ़ी सालों से एक्सरसाइज करते हैं, और उस्ताद जो शब्द है अपनी देसी भाषा के अंदर, जो गुरु कहते हैं, उस्ताद कहते हैं, उस्ताद का मतलब किसी को बड़े को रिस्पेक्ट देना या आपको कोई सिखाने वाला है उसको उस्ताद या गुरुजी कहा जाता है, जिसे हम टीचर भी कहते हैं आजकल। तो ये चीज़ एक रिस्पेक्ट के साथ में की जाती थी। अब जो नई जनरेशन आई है इस चीज़ को ज़्यादा ही कुछ अलग तरीके से, जहाँ तक मैंने देखा है, उसको मजाक में लेते हैं, इस चीज़ का मजाक भी करते हैं कि भाई गुरु मतलब उस्ताद है, उस्ताद माल दे देगा, ये दे देगा, उस तरीके से मतलब डब्बे पकड़ाते हैं। मतलब इससे ये साबित नहीं होता कि सभी उस्ताद इस तरीके के होते हैं। मैंने भी बहुत सारे ऐसे उस्ताद या गुरुजी देखे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, उनके पास बहुत ही अच्छे कहते हैं नॉलेज है उनके पास, और उनके जो सर्टिफाइड आपके ट्रेनर हैं उनके पास जो नॉलेज नहीं है जो उन उस्तादों के पास में है। आज उन लोगों को इस फील्ड के अंदर 20-25 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, तो उनके पास वो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है, जो कि स्टडी से नहीं आता। बहुत सारा ऐसा नॉलेज होता है जो कि आपको स्टडी से नहीं आता, जो कि आपको नेट के ऊपर आप अगर सर्च करते हैं वो नहीं मिलता, वो आपको गुरुजी या फिर उस्ताद से मिलता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो आप लोगों के अगर दिमाग के अंदर ये चीज़ें हैं कि अब हम इन दोनों में से किसको चुनें, सबसे पहली चीज़ आप जिस भी जिम या जिस गुरु या जिस उस्ताद या फिर जिस ट्रेनर के पास जाते हैं, सबसे पहले जो आप जाओगे तभी आपको पता पड़ेगा, या फिर आप लोगों के कह सकते हैं रिव्यू ले सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं कि मैं इसके पास जा रहा हूँ ये कैसा है, किस तरीके की ट्रेनिंग कराता है, या फिर उसके पास कोई जाता है पहले से उससे पूछ सकते हैं आप लोग। हर किसी के लिए हर किसी का भी रिव्यू अलग होगा, हर किसी का भी क्या कहते हैं ओपिनियन अलग होगा। सबसे आप लगभग लोगों से पूछें अगर आपको उस तरीके की ट्रेनिंग या उस तरीके का जो है स्तर पर जाना है, तो आप लोगों से पूछें, उसके बाद में ही आप स्टार्ट करें। अगर आप जाना स्टार्ट करते हैं उसके बाद में आप किन चीज़ों का ध्यान देना, आप सबसे पहली चीज़ आजकल बेसिक जो चीज़ें हैं सभी लोगों को पता होता है किसके पास नॉलेज है किसके पास नहीं है,
सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान दें, आप जिस इंसान के पास, जिस उस्ताद या ट्रेनर के पास, सर्टिफाइड ट्रेनर के पास जा रहे हैं, उसके पास कंप्लीट नॉलेज है या नहीं है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें। ऐसा नहीं कि आप, मैं ये नहीं कहता कि आप उस्ताद के पास या फिर गुरुजी के पास ही जाए, सभी गुरुजी या सभी उस्ताद एक जैसे नहीं होते, इस चीज़ को आप ध्यान दें। और फिर से मैं कहता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ आप गुरुजी या फिर उस्ताद के पास ही जाए, ना कि मैं ये आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप सर्टिफाइड ट्रेनर के पास ही जाए। ये दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग के अंदर अगर कन्फ्यूज़न है, तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया, दोनों में रात और दिन का फ़र्क है। जो सर्टिफाइड ट्रेनर के पास नॉलेज है वो उस्ताद के पास कम होगी कुछ, जो उस्ताद के पास नॉलेज है जो, वो सर्टिफाइड ट्रेनर के पास जो है, मैं कह सकता हूँ कभी नहीं आ सकती। वो एक्सपीरियंस जो होता है वो फील करता है, उस बंदे ने 20-25 साल इस फील्ड के अंदर दिए हैं, 20-25 साल एक्सरसाइज की है या किसी को लगवाई है, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, ना कि एक 3 महीने का कोर्स करके आया है बंदा। भले वो सर्टिफाइड ट्रेनर कह सकते हैं 3 महीने का कोर्स करके आया, उसके पास ये नॉलेज नहीं मिलेगी आप लोगों को। ऐसी बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि उसको पता होगी, इसको नहीं होगी, इसको भी पता पड़ेगी, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको, उस चीज़ के अंदर वक्त देना पड़ेगा, उसको भी सालों लग जाएंगे, सालों बीत जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान देना, जब भी आप जाते हैं तो दोनों को एक अपने माइंड को एक्टिव रखें और सोचें कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो मुझे सही गाइडेंस कर रहा है नहीं कर रहा है, या मुझे सही नॉलेज दे रहा है, मेरा इंस्ट्रक्चर सही, जो इंस्ट्रक्चर है वो सही है या नहीं है, इस तरह इन चीज़ों का जो आप ध्यान रखेंगे तभी आप लोगों को पता पड़ेगा। तो आप लोगों को ही इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। तो आई होप गाइज आप लोगों के दिमाग के अंदर जो ये इस तरीके की मिथ होगी या ऐसी चीज़ होगी क्लियर हो गई होगी। आगे इस तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल MS Oda को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। पास में एक बेल का आइकन है, इसे भी दबाइए, जिससे आपको हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। नीचे इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को मेरी दिख रही होगी, महेंद्र सिंह सोडा ऑफिशियल करके मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, जहाँ पर मैं अपनी डेली अपडेट डालता रहता हूँ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू अगेन।